जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के बहुत ही आसान आसान प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आपको जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, आप कहेंगे अरे ये क्या क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम में ना आया हुआ क्वेश्चन है ना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे सिंप्लीफिकेशन के थे, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। इस क्लास का मूल उद्देश्य है ना कि आप एग्जाम में सिली मिस्टेक से बचिए, है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आए थे, बाद में जब पेपर सॉल्व कराया गया तो कई स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, जहाँ पे एक क्वेश्चन सही होना था वहाँ पे माइनस चला गया, है ना। तो ऐसी दिक्कत ना हो इसी वजह से जितने भी क्वेश्चन थे आसान आसान से 10-12 क्वेश्चन उनको हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है, इसमें बहुत ही आसान से देखिए भागो जोक का नियम लगेगा। पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है ना, जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। इसमें ब्रैकेट नहीं है, नहीं तो ब्रैकेट और फिर ऑफ को भी सॉल्व करते। यहाँ पर सबसे पहले आप इस पार्ट को हल करेंगे, जैसे इसको हल करेंगे तो ये हल होकर के 3 आंसर आएगा। देखिए 2 × 6 − 3 और +2, है ना। अब देखिए 6 × 2 = 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो आंसर आएगा 11। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। एग्जाम में याद रखना है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को। देखिए यहाँ पे बॉडमास का रूल लगेगा, ब्रैकेट है ना, ऑफ है ना, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है ना, इसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्स्ट्रैक्शन, है ना। कई जगह यहाँ पे वी भी लगा रहते हैं, यहाँ पे विनाकुलम आते हैं तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, गलती नहीं करने। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, देखिए इसमें भी सॉल्व करने। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इस भाग वाले पोर्शन को हल करेंगे। जैसे इसे सॉल्व करेंगे 108 में 36 का भाग करेंगे 3 मिलेगा, है ना। तो आप लिखेंगे 3 × 1/4 और +2/5 × 1/4। अच्छा क्या एग्जाम में ऐसे लिखना है? नहीं लिखना नहीं, ओरली एकदम ऐसे देख के ना यहाँ पे 3 आ गया, सीधा सीधा दिमाग बताएगा 3/4 लिखेंगे और प्लस इसको यहाँ पे देखिए 2 से काट देंगे तो आपका दिमाग यहाँ पे बोलेगा 1/10, है ना। अब आगे देखिएगा 10 × 3 = 30 और 4 × 1 = 4, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 30 × 4 = 34 और बटे में यहाँ पर कितना लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बटे में 10 × 10 = 40, 34/40 हो जाएगा, है ना। अब इसको काटेंगे तो 17/20 आएगा, 17/20 का मतलब विकल्प सी का सही उत्तर बन जाएगा। देखिए ना कितने आसान से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर थोड़ा सा गलती हुआ, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो जहाँ पे नंबर मिलने जा रहा तो वहाँ पर नंबर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दशमलव का क्वेश्चन है। दशमलव के क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मैक्सिमम पोजिशन है, मतलब अधिकतम कितने अंक पर दशमलव लगा है। यहाँ पर 3 अंक पर लगा है, आगे देखिएगा 2 अंक पर लगा है, यहाँ पर 4 अंक पर लगा है, और यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर भी 1 अंक। तो जो आपका उत्तर बनेगा ना, इसमें भी 4 अंक पर दशमलव लगा होगा। तो खैर सब में 4 अंक पर दिए, कोई बात नहीं। अब दशमलव का रूल क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है ना। जब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 4 है ना, जैसे देखिए दशमलव के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 6, 1, आगे लिखेंगे 9, 8, फिर लिखेंगे 0, 3, 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, 0, 3, 4, इस प्रकार से लिखेंगे ना। जैसे लिखेंगे तो देखिए जो सबसे अंतिम में आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। तो यूनिट डिजिट 4 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प सी, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन कितनी आसानी से बन जाएगा, अन्यथा आप इसको जोड़ करके परेशान होंगे। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 4, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, बॉडमास का रूल लगेंगे। पहले भाग करेंगे, 36 में 6 का भाग करेंगे 6 आएगा, है ना। यहाँ पे आपको मिल गया 6, तो 18 + 6 और −3 × 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कैंसिल का मतलब ये घटा देंगे 0 आ जाएगा, बचा कितना है 18 बचा है, तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। देखिए शेषफल वाले क्वेश्चन में बड़े ध्यान से इसे सॉल्व करने है ना। अब हम इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो तरीका पसंद है। सबसे पहले देखिए, जब भी शेषफल का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग करते हैं ना। पावर में 4 से भाग करेंगे 7 है, 7 में 4 से भाग करेंगे है ना, 4 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर होता है उसी को हम लोग पावर बनाते हैं। तो 7 के पावर 3 और भागे 4, 7 के पावर 3 होता है 343,
343 में चार से भाग करेंगे तो 343 में चार से भाग करेंगे, चार का भाग मतलब लास्ट के दो अंकों में भाग किया जाता है, 43 भागे चार, यहाँ से रिमाइंडर तीन आ जाएगा। तो पहला तरीका ये रहा आपका, तीन आ गया है ना, एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका आप इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके कहने का मतलब है पहले सात को ओपन कर लीजिए, सात को ऐसे लिख सकते हैं सात के स्क्वायर और इसका पावर तीन और गुणे सात, है ना। अब यहाँ से भी आप इसको मतलब किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर आपका सेम आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाहे जैसे इसको हल कीजिए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर छह दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन की, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट आ गया ना, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, तीन में से दो घटाएंगे और प्लस पाँच करेंगे, है ना, पाँच तीन आठ, आठ में से दो गया कितना बचेगा, छः बचेगा। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी छः। तो आगे लिखना है 15 प्लस 21, है ना, आगे देखिए गुणा छः और भाग में तीन। अब यहाँ पर पहले भाग करेंगे, भाग में दो है यहाँ पर, जैसे भाग करेंगे तो यहाँ पर तीन आएगा, तीन आएगा। अब यहाँ पे 15 प्लस 21 और गुणे में तीन, 21 में तीन का गुणा करेंगे 63, 63 में 15 जोड़ेंगे, 63 में 15 जोड़ने पर आपको 78 मिलेगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात दिया यहाँ पर, देखिए इसमें भी दशमलव का क्वेश्चन है। पहले देखिए मैक्सिमम कितने अंकों पर दशमलव लगा है, यहाँ पर तीन अंक है, है ना, यहाँ पर दो है, यहाँ पर चार है, ठीक, चार अंक पर लगा है। तो जो है उत्तर आएगा इसमें भी चार अंक पे दशमलव का सब में लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए जोड़ के साथ साथ घटाना भी है, अब थोड़ा सा आपको एक्टिव हो जाना है, सतर्क रहना है, ध्यान देना है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे 19 और 17 दो दिख रहे हैं, तो आप ना पहले चाहे नंबर्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा, चाहे पहले दशमलव को कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से दो विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। देखिए अगर हम पहले नंबर को कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये 31 है ना, इसको अप्रॉक्सीमेट 5 मान लेते हैं, 31 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, है ना। फिर 26 में से देखिए यहाँ पर 26 में ये माइनस है, यहाँ पर 26 में से 9 घटाने हैं, 26 में से जब 9 घटाएंगे तो 17 मिलेगा। अब 17 मिलते ही क्या हो जाएगा कि ये दोनों विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा, या तो ये उत्तर बनेगा या तो ये उत्तर बनेगा। अब असली लोचा यहाँ पर दशमलव का है, अब दशमलव को सॉल्व करते हैं। देखिए दशमलव यहाँ पर ये प्लस में है ना, दशमलव 004 ये प्लस में है, आगे देखिए ये माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 98, है ना। इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए ये भी प्लस में है, तो आप लिखेंगे 0.7034, ये भी प्लस में, माइनस यहाँ पे देखिए 0.6 है माइनस में, 0.3 यहाँ पर ये प्लस में, है ना। तो इस तरीके से दशमलव को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका उत्तर सही कौन बनेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं करना तो भाई बेसिक से सबको लिख करके करिएगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नंबर आठ, आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या आएगी। एक्स की वैल्यू निकालना है, देखिए यहाँ पर दो अंक पर दशमलव है, यहाँ पर एक और एक दो अंक पर है, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, सीधा सीधा लिखेंगे 1728 बटे एक्स, क्योंकि यहाँ पे भाग है, और गुणे 36 और गुणे दो, और बराबर में कितना आ गया, दो आ गया। इसे हल कर लेते हैं, है ना। देखिए अब इसको अगर 36 से काटेंगे या फिर छोटा छोटे छोटे पार्ट्स में काटेंगे, दो से काटेंगे, दो अठे 16, है ना, दो छक्का 12, दो चौका 8, है ना। इसके बाद देखिए 36 दूना 72, है ना, और इसके बाद यहाँ पे बचा है कितना, 14, 36 चौका 144, एक्स 24 बटे एक्स बराबर दो। कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर सब प्लस में है, ये एक्स यहाँ पर है, इसको इधर भेजेंगे तो सब माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं, माइनस करके आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। देखिए 9018, है ना, अभी नंबर्स को घटाते हैं। देखिए इसमें से 5072 और 368, 5072 में जब 368 जोड़ेंगे, देखिए 5072 यहाँ पर है, इसमें 368 जोड़ेंगे, 8 2 10 एक हासिल है, 7 7 14 एक हासिल है ना, 3 1 4 और यहाँ पर 5, देखिए 54 और 40, 54 40 को जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर 8 आएगा, 10 में से 4 गया 6 आएगा, है ना, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 आएगा, और यहाँ पर इसके बाद ये 6 हो चुका है 3। देखिए 3568 के आसपास आंसर आ रहा है, कहीं पर कोई मिस्टेक है क्या दोस्तों। अच्छा ये यहाँ पे 11 हो जाएगा ना, 10 मैंने क्यों मान लिया, 3578। जब 3578 दिख रहा है ना, इसका मतलब देखिए ये विकल्प और ये विकल्प दोनों एलिमिनेट हो गया। अब इसमें से चाहे ये उत्तर बनेगा और चाहे ये उत्तर बनेगा। अब इसको चेक करना है कि यूनिट डिजिट 6 आएगा या यूनिट डिजिट 4 आएगा। देखिए यहाँ पर 618 है, ठीक है 618 है, इसके बाद देखिए 312 इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा। 312 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6,
जीरो और यहाँ पर तीन, 306 और इधर से 19, देखिए यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट 6 किसमें है, सिर्फ विकल्प ए में है, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा। तो क्वेश्चंस को थोड़ा टेक्निकली अगर सोचेंगे ना तो बड़े आसानी से आप बना लेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन, इसमें आपको जो पेपर आया था क्वेश्चन में इसमें कुल वर्ग बताना था, लेकिन यहाँ पे तीन तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कुल वर्ग पूछ ले, है ना, कुल वर्ग पूछ ले, या फिर कुल आयत पूछ ले, या फिर सिर्फ वर्ग पूछे, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए अगर कुल वर्गों की बात करेंगे तो कुल वर्ग निकालना आसान है, 1, 2, 3 आपने तीन गिना, 1, 2, 3 तीनों तरफ बराबर है, तो आप 1² + 2² + 3² इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगर मान के चलिए कुल आयत पूछा होता तब पता है क्या करते, यहाँ पे देखिए पहले इन तीनों को जोड़ते, 1, 2, 3 है ना, तो इसको 6 लिखते, फिर 6 से मल्टीप्लाई कराते, ये तरीका होता है ना, तो कुल आयत मिल जाता। और अगर सिर्फ आयत पूछा होता तो क्या करते, सिर्फ आयत पूछेगा, सिर्फ वर्ग नहीं, तो सिर्फ आयत पूछेगा तो कुल आयत में से कुल वर्ग को माइनस कर देंगे। अगले स्लाइड पर आते, अगले स्लाइड पर एक क्वेश्चन दिया कुल त्रिभुज की संख्या बताना है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपने शॉर्ट्स में सीखे, मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर के कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आप जोड़ दीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जैसे आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा ये 15 बनेगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, अंतिम स्लाइड पर, इसमें भी आपको बताना है कुल कितने ट्रायंगल्स है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए जब कभी भी एक ट्रायंगल को ना इस प्रकार से विभाजित किया जाता है माध्यिकाओं के द्वारा, तो ऐसी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 16 होती है, हमने कल के एक वीडियो में सीख रखा था। अगर यहाँ पर कहीं पर जैसे एक लाइन ऐसे खींच दिया गया है ना, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 24। अगर इसी लाइन को कम कर दिया जाए तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 12, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि नहीं हमको 12 एक एक करके दिखाइए कहाँ है, तब आप कैसे दिखाएंगे, चलिए उसको भी ढूंढ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप इतने खंड को देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ना, अगर आप इसको देखेंगे, देखिए 1, 2 और 1 बड़ा वाला, 3 हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप इसको देखिएगा, देखिए ये रहा है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 यहाँ पर भी मिलेगा, 3 और 3 6 हो गया है ना, और 1 ये रहा, 6 और 1 7, यहाँ तक आपको टोटल 7 त्रिभुज मिल गए है ना। 7 के बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला कहने का मतलब है ये जो पूरा बाहर वाला त्रिभुज है, ये 7 और 1 8 हो गया है ना। इसके बाद देखिए ये वाला लाइन जो बन रहा है, ये लाइन है ना, एक ये त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 9 हो गया है ना, ये 9 हो गया, और एक तरफ इधर 10 है, 9 और 10 हो गया। ऐसे जब आप दूसरे साइड में देखेंगे, दूसरे साइड कहने का मतलब आप इस वाले भुजा को देखिए, इससे यहाँ से भी तो 2 त्रिभुज बनेंगे, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे कुल 12 त्रिभुज बन जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए थे, आप देख सकते हैं कितने आसान से क्वेश्चन है। अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे ना तो आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, वहां से आप टेस्ट सीरीज परचेस कीजिएगा और लगातार टेस्ट अटेंड कीजिए ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।